नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। राजस्थान की कांग्रेस सरकार से प्रेरणा लेते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगर आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सरकार बनी तो नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए और 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। उक्ता सह का ऐलान ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए किया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता महंगाई और बेरोजगार जैसी समस्याओं से त्रस्त है। डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि नारी सम्मान योजना के माध्यम से लोगों को बहुत हद तक महिलाएं से राहत मिलेगी। डॉक्टर गोविंद सिंह ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कन्या विवाह के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दी थी। इसके अलावा वृद्ध महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन बढ़ा दी थी। इससे पहले उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने संकल्प पत्र का विमोचन किया। इस अवसर पर महापौर श्रीमती शोभा शिकरवार, कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, ग्वालियर के प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान, डबरा विधायक सुरेश राजे, ग्वालियर पूर्व विधायक सतीश शिकरवार और दक्षिण विधानसभा विधायक प्रवीण पाठक मौजूद थे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।